अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं उमर खान, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदीया में। मैं अभी कुछ देर पहले फ्लाई नाश की फ़्लाइट से जो है वो रियाद पहुँचा हूँ, और रियाद एयरपोर्ट पर मेरा तकरीबन 3 से 4 घंटे का स्टे है। मेरे पास सऊदीया का वीज़ा अवेलेबल है, और मैं कोशिश करता हूँ कि उस वीज़े पे यहाँ पे ट्राई करूँ वीज़ा ऑन एंट्री लेने की, कि एंट्री मिलती है नहीं मिलती है, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे पास 1 साल का, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि 1 साल का वीज़ा मेरे पास है सऊदी अरब का। काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है रियाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप लोगों को दिखाता हूँ। और बस अभी इफ्तार होने में तकरीबन 10 से 12 मिनट बाकी हैं। 10 से 12 मिनट बाद जो है वो यहाँ पर रोका खुलेगा। 6:00 आई थिंक 11 या 12 मिनट पर इफ्तार है। तो आइए चलते हैं और रियाद एयरपोर्ट का विज़िट करते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आगे बात करते हैं। कंटिन्यू जी, रियाद एयरपोर्ट। ये सऊदी अरब का कैपिटल है रियाद, उसका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं, स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स। ये देखें जी, ये ऊपर का डिपार्चर एरिया है। ये सारा डिपार्चर एरिया है। ये ग्लास यहाँ पे गेट्स लगे हुए हैं, और 304 नंबर गेट है हमारा, जिसके थ्रू हमने जो है वो जाना है। आगे फ्लाइट है जी, सामने स्टारबक्स। आगे की तरफ चलते हैं और आगे का एरिया चेक करते हैं चल के, और क्या क्या है। सारे वेटिंग हॉल्स वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे। ये देखें जी, 305 नंबर गेट, और काफ़ी खूबसूरत है रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी। क्योंकि सऊदीया जो है वो इस वक्त टॉप जो वर्ल्ड की इकोनॉमीज हैं उसमें से एक है, तो इस वजह से। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो इंशाल्लाह ताला अभी जो है वो 3 दिन के बाद जो है वो रवानगी है। 3 से 4 दिन लगेंगे उम्र की अदायगी के लिए रवानगी मेरी। ये छोटा सा ड्यूटी फ्री है यहाँ पर। बैग्स, हैंड कैरीज और डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। चॉकलेट के ऊपर 30% ऑफ लगा हुआ है यहाँ पे, और अच्छी क्वालिटी चॉकलेट्स और डेट्स, इस तरह के आइटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। 30% ऑफ है। ये सारा स्कैनिंग एरिया है, लोग आ रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं वीडियोस बनाता हूँ, उस पर आप लोगों के कमेंट्स और राय का मुझे इंतज़ार रहता है, आप लोगों के फीडबैक्स का। और अगर कुछ चेंजिंग्स हैं तो मुझे बताएं, कुछ चेंजिंग्स कोई इसमें मैं इम्प्लीमेंटेशन कर सकूं और कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं वीडियोस के मुताबिक। मेरे साथ जो है वो मेरे फ्रेंड्स मौजूद हैं, तो आइए चलते हैं नीचे, और नीचे से उनको ऊपर लेकर आते हैं। उनको ऊपर ले आने के बाद यहाँ पर वेटिंग एरिया है, यहाँ पे हम रोटा खोलेंगे। तकरीबन 1 मिनट रह गया अफ्तार के अंदर, तो पहले अफ्तार करते हैं, उसके बाद जो है वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पीछे का वेटिंग एरिया है, यहाँ पे स्क्रीनिंग के बाद हम लोग आए थे, और आ जाए बस। ये देखें, ये सारा वेटिंग एरिया नीचे का। रोज़ा अफ्तार हो गया, रब नवाज जो है वो रोज़ा खोल रहा है। ये शेख, ये हमें देखे बॉक्स वहाँ पर मिले थे लाइन आज के अंदर, और ये भी सब रोज़ा खोल रहे हैं। तकरीबन 2 घंटे की दुबई से हमारी फ़्लाइट थी, तो फ्लाइट पूरी करके हम लोग अभी रियाद आ गए। अभी चलते हैं, इसके बाद ऊपर आपको रियाद एयरपोर्ट पूरा घुमाते हैं। बॉक्स में ये बन मिला है, पानी की बोतल, दूध की बोतल, दूध है पता नहीं, लबन है, लबन है, और
बिस्किट, खजूरें, सेम आइटम इससे पास है और हो रही हैं और बस अफ्तार करते हैं। अफ्तार के बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। फ्रेंड्स फाइनली अफ्तार हो गया है, बस अब करते हैं बाकी का जो रियाद एयरपोर्ट का एरिया है उसको कवर करते हैं, चल के घूमते हैं थोड़ा सा रियाद एयरपोर्ट मस्जिद आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम लोग 302 नंबर गेट हमारा, ये रहा, यहाँ से हमारी फ्लाइट जाएगी पाकिस्तान। आगे का एरिया है ये सारा, अभी चलते हैं ऊपर और ऊपर का सारा आपको लोगों को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं फाइनली ऊपर और ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर क्या है। सब लॉन्च है ऊपर और ये देखें फ्रेंड्स ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर जो है वो सिर्फ लाउंज एरिया बना हुआ है। बिजनेस क्लास पैसेंजर्स से नहीं है, फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स से नहीं है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं है ऊपर। और एंट्री के लिए जो है वो बोर्डिंग पास और कार्ड वो रिक्वायरमेंट थी। मैं पहली दफ़ा आया हूँ और फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। तो ये आगे का एरिया 303 नंबर गेट और बस ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन खूबसूरत है, छोटा एयरपोर्ट है और साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। ये देखें सब, इस तरफ चलते हैं आगे और इस तरफ चल के देखते हैं 301 गेट नंबर की तरफ और इस तरफ क्या है। ये यहाँ तक है और यहाँ के बाद फिर एयरपोर्ट ख़त्म, वो नमाज पढ़ने का ही जगह बनी हुई है, सऊदी फ्लैग। ये देखिए जी, यहाँ से यहाँ पे वो आउटर एरिया, सामने जहाज खड़े हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज से। पिज़्ज़ा तो ले लिया, बड़े नहीं आ रहा। हाँ बस 23 रियाल का, हाँ 23 रियाल का लिया है। रबनवास का सांस रुक गया, कह रहा है बहुत महंगे। तो फ्रेंड्स ये था रियाद एयरपोर्ट, होप के वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।